हेलो गाइस, तो क्या हाल है सब? क्या आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में माल्टा से दो जॉब लेके आया हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप इन पे अपनी CV, आपका जो कवर लेटर है, अपने ईमेल के जरिए अपलोड करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक एक जॉब है ड्राइवर की और दूसरी है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में भी दो तीन फील्ड के अंदर जॉब है। बाकी सबसे पहले हम ड्राइवर की जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के, मतलब इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो ये फैक्ट्री के अंदर काम है और ये ड्राइवर की जॉब है, ठीक है ना। तो इसमें जो कंपनी का नाम है ये एम डमेजो ग्रुप, ठीक है ना। एम डमेजो ग्रुप कंपनी का नाम है और इसमें ये आपकी जो पोजीशन है ड्राइवर है। अब ये देखते 22/7/2022, ये 22 तारीख को ये एप्लीकेशन डाली हुई है, ठीक है ना, जो इसकी डेट है। और इसमें जो आपकी स्टडी है, हाई स्कूल मांगा हुआ है, ठीक है ना। ये सैलरी डिपेंडिंग ऑन योर इंटरव्यू, तो इसमें मैं आपको आगे बता देता हूँ। ये जो इसमें आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, ठीक है ना, तो यू हैव टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ योर एक्सपीरियंस। तो आप अगर आपने पहले ड्राइव मतलब ड्राइविंग की है तो आपने उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा। आपने मतलब किसी कंपनी में अगर काम किया, ठीक है ना। तो आगे यू नीड टू अवॉइड ट्रैफिक रूल्स। तो जाहिर सी बात, अगर आप फॉरेन कंट्री में अगर आप ड्राइविंग की जॉब पे जाते हैं ना, तो वहाँ के जो रूल रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम पढ़ लेते हैं, इसमें जो इंग्लिश बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये आप कैसे अप्लाई करेंगे, ये भी इसमें पूरी डिटेल में लिखा हुआ है, हाउ टू अप्लाई फॉर ड्राइवर जॉब इन माल्टा फॉरनर, ठीक है ना। तो इसमें आप अप्लाई कर देना ये, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर ड्राइवर जॉब इन माल्टा फॉर देन ब्रिंग योर CV एंड कवर लेटर, ठीक है ना। तो आपने अपना जो रिज्यूम है और आपका जो कवर लेटर आप बनवा लेना, ठीक है ना। ये तो आपने ये मेल के जरिए ये ईमेल लिखी हुई इधर, ठीक है ना, ये आप स्क्रीन पे भी देख लेना, ये careerdomaio.com। तो आपने इस पे ये अपलोड करनी है, मतलब आपका जो रिज्यूम है, आपकी जो CV है, इस ईमेल पे आपने अपलोड करनी है। और ये नीचे उन्होंने लिखा हुआ, थैंक्स फॉर अप्लाई फॉर ड्राइवर जॉब इन माल्टा फॉरनर, इफ़ यू आर सेलेक्टेड देन वी विल कॉन्टैक्ट यू। तो इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे आपको मेल के जरिए। आप अगर आप अपना नंबर रिज्यूम के अंदर डालते हैं ना, तो आपको खुद कॉल भी कर सकते हैं, बाकी आपको मेल भी करेंगे, ठीक है ना, रिटर्न। तो ये जो इलेक्ट्रीशियन की जॉब है, इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, मैक्सिमम 1 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। गुड नॉलेज ऑफ रिपेयरिंग एंड इंस्टॉलिंग वायरिंग एंड लाइटिंग। तो मिनिमम हाई स्कूल लेवल एजुकेशन, और इसमें जो मतलब एबिलिटी एबिलिटी टू लिफ्ट अप 35 पाउंड, इसमें मतलब आपको वजन मैक्सिमम 35 kg आपको उठाने की अक्षमता होनी चाहिए आप में, ठीक है ना। तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल इंग्लिश आपको आनी चाहिए। बाकी फिर ये प्लम्बर की जॉब है, ठीक है ना। इसके अंदर कटिंग का काम, वेल्डिंग का काम है, ग्राइंडिंग का काम है, फिटिंग पाइप, मिनिमम 1 से 3 ईयर सेम एक्सपीरियंस इसमें हो मांगा हुआ है आपको। मैक्सिमम आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना, अगर आप प्लम्बर की जॉब अप्लाई करते हैं। गुड नॉलेज ऑफ रिपेयरिंग इंस्टॉलिंग किचन एरिया एंड बाथरूम फिटिंग। तो ये जो प्लम्बर का आपको काम अगर आता है, आप आसानी से अपना जो रिज्यूम, आपका जो CV कवर लेटर, आप इस पे अपलोड कर देना, ठीक है ना। ये आपको मेल स्क्रीन पे मैंने डाल दिया, आप ये देख लेना। इसमें बिल्कुल सेम लिखा हुआ है आपने कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। ये जो भी मतलब अलग अलग ये फील्ड है ना, ये कंस्ट्रक्शन लाइन में जो प्लम्बर की, एयर कंडीशन की, मतलब आपको आपको एयर कॉन का काम आता है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेंटेनेंस का काम आता है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने खाली अपना रिज्यूम अपलोड करना है। तो आपने इस ईमेल पे, ये मैंने आपको दो जॉब के बारे में बताया है, तो ये जो अलग अलग मेल है, आपने इस पे अपना जो CV, आपका जो रिज्यूम, आपने इस पे अपलोड करना, ठीक है ना। बाकी मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं जॉब के ऊपर, आप इन पे ट्राई करके देखे, ठीक है ना। आपका ट्राई करने में क्या ज़्यादा, आपने अपना रिज्यूम अपलोड करना है, उधर से अगर आपके पास मैसेज कॉल आपको मेल आती है तो आप उनसे बात कर ले, ठीक है ना। आपका क्या लगता है उसमें?
अगर जिस कंपनी में वर्कर चाहिए होगे ना, वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। अगर जहाँ पर चीटिंग का काम होगा, वो आपसे पहले पैसे मांगेगा, तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। अगर आपसे वो पहले पैसे मांग रहा है, तो आपको उसके जैसे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको सारे मतलब आपको जॉब लेटर भेज देता है, आपको आप अपना जो पासपोर्ट वगैरह उनको साइन करते हैं, अगर आपको वीज़ा प्रोवाइड कर देता है, ठीक है ना, जो इंट्री वीज़ा होता है आपका, जो वर्क वीज़ा वहाँ पर जाके लगेगा, लेकिन आपका जो इंट्री मतलब आपके पास जो स्टैंप लग के आएगी ना, नॉर्मल स्टैंप आपकी जो इंट्री के लिए होती है, ठीक है ना, और आपको कॉलिंग वीज़े के जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे आगे से कंपनी आपको मेल के ज़रिए, तो आपको पता लग जाएगा कि ये फेक है या फिर ओरिजिनल है, ठीक है ना। बाकी आपने पहले किसी को पैसे नहीं देने हैं। बहुत सारी ऑनलाइन ये वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी ट्राई करें। बाकी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये बिल्कुल रियल है, ठीक है ना, इसमें कोई भी मतलब चीटिंग वाला काम नहीं है, ये बिल्कुल नई जॉब। आप डेट चेक करके आप तब अपना रिज्यूम CV अपलोड करें, ठीक है ना। बाकी आगे भी मैं ऐसे वीडियो बनाता रहेगा, तो गाइस आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।